श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों 27 अप्रैल को ये पुष्य नक्षत्र है, सर्वार्थ सिद्धि योग है, अमृत सिद्धि योग है, तो बहुत ही शुभ दिन है ये। इसमें आप कई तरह के उपाय कर सकते हैं। तो इसके लिए अगर आप लक्ष्मी का कमी है, धन नहीं आ रहा है, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, तो इसके लिए आपको हल्दी का एक छोटा सा उपाय करना है। हल्दी एक डब्बी में लें और उसमें 1 रुपये का सिक्का रख लें और एक सुपारी रखें और श्री विष्णु भगवान के सामने रखें, ओम श्री वासुदेवाय नमः, ओम भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और उसे वहीं रख दें। और अगले दिन यानी शुक्रवार को उसे निकाल के आप अपनी तिजोरी में रख लें, तो ये आपके लिए लक्ष्मी का आगमन इससे होगा आपके घर में। दूसरा उपाय है कि घर में आपके बेटे बेटियों की शादी नहीं हो रही है, मांगलिक कार्य नहीं हो रहे हैं और बच्चों की उम्र बढ़ती जा रही है, तो इसके लिए आपको एक उपाय करना है छोटा सा। आपको एक कागज़ लेना है और उस पर हल्दी से जिसका शादी नहीं हो रही है उसका नाम लिखना है और इसे आपको रख के आपको बालाजी के चरणों में अर्पित करना है। बालाजी के मंदिर आप अगर नहीं जा सकते तो आप इसे घर में ही कर सकते हैं, पर आपको उसे शाम के समय मंदिर में रखना होगा और वहाँ बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ करना है। घी का दीपक लगाइए, नाम लिखा हुआ कागज़ हनुमान जी के चरणों में अर्पित करना है और हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद अपनी मनोकामना बोलनी है और घर आना है। और यदि आप किसी कारण से यह उपाय गुरुवार को नहीं कर पाए हैं तो आप शुक्रवार को कर सकते हैं। तो शुक्रवार के दिन अगर आप करते हैं तो सफ़ेद कागज़ पर लाल रंग के पेन से लिखना है और शनिवार को भी कर सकते हैं। शनिवार को करते हैं तो सफ़ेद कागज़ पे नीले रंग के पेन से आपको नाम लिखना है और कागज़ की जगह आप रुमाल भी यूज कर सकते हैं। रुमाल को आप अगर गुरुवार को करते हैं तो पीले रुमाल पे आपको लिखना है हल्दी से, और अगर आप शुक्रवार को करते हैं तो सफ़ेद रुमाल लेना है और अगर शनिवार को करते हैं तो लाल रुमाल लेना है आपको। उपाय बहुत सरल है, आप कीजिए, इसका फल आपको तुरंत मिलेगा। और वीडियो अच्छे लगे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करें।